हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कोई क्रिकेट खेलते खेलते, कोई मैरिज में डांस करते हुए, कोई जिम में कसरत करते हुए हार्ट अटैक की वजह से स्कम्बल हो रहा है। 30, 35, 40 साल के बंदे को हार्ट अटैक आ रहे हैं और इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी में एक डर का माहौल फैला हुआ है। लोग हॉस्पिटल जाते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं और उसके बाद डर की वजह से बाईपास का तुरंत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनरल कम्युनिटी एज वेल एज डॉक्टर कम्युनिटी में एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट ऑप्शन का कोई ऐसा नॉलेज ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को सफर होना पड़ता है। ईईसीपी ट्रीटमेंट, ईएसएमआर ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट 70-80% हार्ट अटैक वाले पेशेंट को बेनिफिट रूप हो सकती है और काप कूट सर्जरी से या स्टेंट से बढ़ सकते हो। बाईपास सर्जरी बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्टेंट बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर वो सिलेक्टेड केसेस में, पर्टिकुलरली कोई जगह पे ब्लॉकेज हो, पर्टिकुलरली कोई ऐसे सिम्टम्स हो, तो ही वो सब चीज में जाना चाहिए, क्योंकि उसके पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस भी रहती है। लेकिन एक बार हार्ट अटैक आ गया, वो पीरियड चला गया, बाद में पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और सपोज उसमें जो स्टेंट या बाईपास करने का आए, तो कहीं बार ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर सकता है। आपको मालूम है ना कोरोना के टाइम में क्या हुआ था? अननेसेसरी स्टेरॉइड देने के बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुए है वो अब तक हम देख रहे हैं। ऐसे ही एक लोगों के बीच में नॉलेज, उसकी वजह से जो अननेसेसरी बाईपास या स्टेंट हो रहा है उसकी खामियां भी हमें 10, 15, 20 सालों के बाद हमें देखना पड़ेगा। हर एक पेशेंट को नहीं जरूरत है बाईपास सर्जरी की, हर एक पेशेंट को नहीं जरूरत है स्टेंट की। ईईसीपी ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट रहती है कि जो आपकी हार्ट की छोटी छोटी नसें खोल देती है। भगवान ने हमें हर एक शरीर में, हर एक ऑर्गन में लाखों करोड़ों की संख्या में छोटी छोटी नसें दे रही है। किडनी का सिर्फ 2 किडनी में से एक किडनी सिर्फ 20% भी काम करे ना, तो भी पूरी जिंदगी निकल जाए। ऐसे ही हार्ट में भले ना तीनों नसें क्यों ब्लॉक हो, लेकिन छोटी छोटी नसों में कोलेट्रल्स ओपन हो जाए तो वो बाईपास या सर्जरी के स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे खोल सकते हो आप? आप खोल सकते हो, दौड़ के खोल सकते हो, आप मेडिटेशन योगा से खोल सकते हो, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट है उससे आपकी पैसिवली छोटी छोटी नसें खुलती है और वो भी हजारों की क्वांटिटी में। तो कभी भी ब्लॉकेज आए तो तुरंत बाईपास सर्जरी स्टेंट का ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार किसी कार्डियोलॉजिस्ट जो उसके बारे में ईईसीपी ईएसएमआर के बारे में जानते हो उसका फ्रैंक ओपिनियन लेना पड़े। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ये ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है और हम वो नहीं कहते कि 100% ये बेनिफिशियल है। कोई भी मेडिकल साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट 100% बेनिफिशियल नहीं होती, लेकिन 100% में से 70-80% को भी हम फायदा पहुंचा सके तो वो लोग हम बाईपास या स्टेंट से बचा सकते हैं। तो उसी के लिए एक ओपन माइंड सेट के साथ ईईसीपी ट्रीटमेंट, ईएसएमआर ट्रीटमेंट, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। ईएसएमआर ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट है कि जिससे हार्ट पंपिंग भी बढ़ सकता है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट से भी पेशेंट बच सकता है। तो वो सब चीजें जानने के बाद आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट करें, उसके बारे में डिटेल पूछें उनको और उसके बाद सही ऑप्शन चूज करें। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, कोई डॉक्टर कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हार्ट है, आपका हार्ट की जिम्मेदारी आपकी ही है।